आपको 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 आप सभी को मेरा नमस्ते। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज है 22 जनवरी। तो आज के दिन प्रभु श्री राम जी अपने घर आ रहे हैं और मैं यूट्यूब पर, तो मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ एक मॉर्निंग कार्डियो से। तो आज के शेड्यूल में जो दूसरी चीज़ इंक्लूड करी है वो आप लोगों से कुछ कहना है। तो मैं अपनी यूट्यूब जर्नी 2020 से स्टार्ट करना चाहता था बट वो किसी भी तरीके से मैं स्टार्ट नहीं कर पाया। बट चाहे आर्टिस्ट ले लो या किसी फील्ड से कोई भी इंसान, हर एक की लाइफ में उसकी बैक स्टोरी जरूर होती है, और हसल से जुड़ी कोई इंटेंस बैक स्टोरी ना हो तो उस कहानी में दम ही क्या। बट मेरे उन 3 साल हुआ क्या जिसमें मैंने कभी अपना यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया। YouTube पे वीडियो बनाने के लिए कह लो या मेरे अंदर का डर, इसमें मेरे 3 साल कब कैसे बीते मुझे इसका कुछ अता पता नहीं। ऐसा नहीं हमारे पिछले 3 साल वेस्ट गए, हमने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी नए लोगों से जुड़े, काफ़ी नए लोगों के लिए काम किया, और मेरी फिर से शुरू होती हुई एक नई शुरुआत जिसमें अब मैं अकेला नहीं, आप लोग भी मेरे साथ हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। सो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। गाइस, नाइस धूप। बाय द वे, आज के शेड्यूल में हमारी तीसरी चीज है ट्रेनिंग, सो लेट्स गो जिम। तो आज है हमारा चेस्ट और ट्राइसेप का वर्कआउट, जिम का टाइम हो चुका है, अभी चलते हैं जिम। और आज एक फिजिक अपडेट भी लेंगे जो आने वाले टाइम पे हमारे काफी ज्यादा काम आएगी कि हमने क्या प्रोग्रेस करी है। प्री हीट हो रहा है मेरे, तो करते हैं वर्कआउट स्टार्ट। वर्कआउट डन हो चुका है, तो एक फिजिक अपडेट ले लेते हैं। वर्कआउट खत्म, पंप कवर, और अब लेट्स गो होम। जिम लगा लिया है, फिजिक अपडेट डन, अब आते हैं मुद्दे पे। तो उसके लिए बनाना पड़ेगा माहौल, तो पहले हुलिया चेंज कर लेते हैं। तो रियल टॉक करते हैं, 2022 में मैंने अपना एक YouTube वीडियो क्रिएट किया था जिसको मैंने कहीं पे भी अपलोड नहीं किया, और मैंने ना उसके बारे में कभी कोई चर्चा करी अपने सोशल मीडिया पे कि मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कुछ लाने वाला हूँ। बट ऐसा नहीं, उस वीडियो में मेरे एफर्ट्स नहीं थे, उस वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे, स्टोरी टेलिंग, विजुअल्स, स्क्रिप्ट, हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर काम कर रखा था। बट मैं कभी उसको रिलीज़ नहीं कर पाया। अंदर एक चीज़ थी कि मैं जो भी करूँगा मैं लोगों के आगे कुछ नया लेके आऊँगा ताकि मेरे काम से लोग मुझे जाने। तो 2022 में जो मैंने अपना वीडियो क्रिएट किया था उसको 2023 के जनवरी में मैं अपलोड करना चाहता था यूट्यूब पे, बट आज 2024 है, एक साल इसका भी हो गया और यूट्यूब पे हम कभी स्टेप ही नहीं रख पाए। तो मैं आपको वो वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा और फिर बताइएगा मुझे कि मैं 2023 में भी यूट्यूब के काबिल था या फिर मुझे एक ट्राई करना चाहिए था कि नहीं। वॉट इज फील, ये हर किसी की लाइफ से जुड़ा होता है। इट वॉज सेम थिंग एज मी। पिछले 3 सालों से लेकर आज तक मैं बस यही सोचता रहा हूँ कि मैं अपने इस अंदर के डर को कैसे ख़त्म करूँ। बट वॉट इज़ माई फियर, मेरा सबसे बड़ा डर था लोगों के बीच आने का विद माई स्टोरी, एंड द स्टोरी इज ऑल अबाउट माई पैशन। When I was 19 years old, मेरा एक सपना था बींग अ यूट्यूबर।
बट मेरे पास यूट्यूबर बनने का कोई ऑप्शन नहीं था बिकॉज मेरे पास ना ही अच्छा कैमरा था और ना ही कोई इससे पहले कि मैं आप सबको अपनी इमोशनल कहानी को लेकर एक मोटिवेशनल कहानी में कन्वर्ट करके बताऊँ, हम इसे ब्रेक देते हैं। तो आखिरी चीज़ मैं यही कहूँगा कि आपकी कहानी कोई तभी सुनना पसंद करेगा जब आप अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ चुके होंगे। तो फर्स्ट मुझे लगा कि शायद हमें कुछ अचीव करना चाहिए तब अपनी कहानी को एक्सप्लेन करना चाहिए, वरना मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में अपना बड़ा चढ़ा के स्ट्रगल दिखाऊँ, क्या किया, कहाँ से कहाँ आया, किन लोगों के साथ काम किया, तो मे बी वो वर्थ अभी नहीं रहेगा। हम एक ऑडियंस बनाएंगे, हम एक अच्छा ग्रोथ लेंगे, फिर हम अपनी ऑडियंस को बताएंगे कि हमने ये सब कैसे अचीव किया, शायद उस टाइम पे मेरी कहानी लोग सुनना पसंद करेंगे। अभी थोड़ा नर्वस हूँ वीडियो रिकॉर्ड करते हुए क्योंकि मैं अभी भी थोड़ा शाई हूँ कैमरे के आगे। सो दिस इज़ माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। मेरा नाम मनोज और मैं दिल्ली से हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना एक कमेंट जरूर छोड़ें कि मैं अपनी वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, और ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मेरी और आने वाली वीडियोज़ में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जब तक मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पीस।